गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आप सभी को आवाज आ रही है देखिए कल तक हम लोगों ने प्लांट वज में बेसिकली जो फोर चैप्टर हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनरल फोटोसेंथासिस और रिस्परेशन उनको पढ़ लिया था और बाद में कुछ लोगों की कंप्लेंट थी इवनिंग में कि सर हो नहीं पा रहा है लाइट नहीं है और फोन चार्ज नहीं है ये है वो है तो इसलिए हमने उसको रोक दिया था आज का हमारा सेशन है जिसमें हम ह्यूमन फिजोलॉजी के डिस्कशन कर रहे हैं बट काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये आप सब लोग जानते हैं काफी कई इसमें चैप्टर्स हैं तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम इसे कंप्लीट करें और आपसे ये भी है कि आप ट्वेल्थ की एन को अपने से पढ़ते रहिए क्योंकि कई चैप्टर्स हैं और बहुत ही कम समय में हमें पूरा कर रहे हैं तो फिलहाल हमसे जितना हो सकेगा हम इसी टाइमिंग में आ, 11 ए एम पे ही इसी टाइमिंग पे ओनली वन टाइमिंग एलेवन ए एम पे ट्वेल्व तक आपको रिवाइज़न कराते रहेंगे ऐसा नहीं है कि हम टॉपिक को खींच सकते हैं वो हो नहीं सकता वो अच्छी बात नहीं है उससे आपको समझ में कम आएगा तो हम जो भी पढ़ेंगे कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपका फायदा हो पूरा नहीं हो सकता अभी आप भी जानते हैं तो फिलहाल हमसे जितना हो सकेगा हम इस अलेवन वाली टाइमिंग में इलेवन से एम से एट ए एम पी एम तक आपको कराते रहेंगे बाकी कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हो पाएंगे तो कराएंगे इसमें सात चैप्टर है बेसिकली तो इस टाइमिंग पे हमारी मुलाकात तो आपको होगी और बाकी रीजन क्या है अगर हम पूरा टाइमिंग ले लेंगे या 6 पीएम का भी टाइमिंग ले लेंगे तो आपके लिए अपने लिए समय कम पड़ जाएगा ऐसी मेरी सोच है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आपके लिए अपने लिए अपने समय कम हो हम दो घंटे में जितना मैक्सिमम हमसे हो पाएगा हम करेंगे ट्वेल्थ आप खुद से पढ़ते रहिए एलेवेंथ लगभग हम लोग कर ही लेंगे है ना बाकी कुछ और भी जरूरत होगी तो हम पूरा करेंगे फिलहाल मेरा सेंस ये है कि हम आपका मैक्सिमम टाइम इस समय जहाँ पे आपको मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करनी चाहिए वो आपसे ना लें और

और डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो टॉपिक आपका है वो है डाइजेशन है ना तो डाइजेशन डायन इसमें पढ़ना क्या है सबसे पहली आपका जो टॉपिक आएगा आपका क्या पढ़ना है इसमें डाइजेशन की डिफिनीन क्या है, है ना डायशन की डिफिनीशन क्या है तो डायसिन की डिफिनीशन पढ़िए जल्दी से कहते हैं कि बायो मैक्रोमालिक्यूल फाउंड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाई आवर बॉडी इन दियर ओरिजिनल फॉर्म्स कैसे होगा इसमें ओरिजिनल फॉर्म्स में ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो क्या करें उनको तोड़ना पड़ेगा तो क्या इसमें क्या होगा फोटो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बड़ा हो गया Ahí llega. सकल नहीं दिखेगी तो भी काम हो जाएगा हमने फोटोज को हटा दिया है जिससे कि हम मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ आपको पढ़ा सके ठीक है आइए डाइजेशन एंड की बात करनी है जल्दी से सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको आवाज रही है या नहीं मिल रही है तो पढ़ना है तो ब्रोक दिस प्रोसेस अगर इस प्रोसेस की बात करें तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस तो टू एब्जॉर्बेबल फॉर्म अगर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बात करेंगे तो हम इसे डाइजेशन बोलते हैं ठीक है अब आइए

किससे मुलाकात होगी? ठीक है सब? Oral cavity. इसी क्रम में आगे बढ़िए जिसमें आपको मिलेगा. इस को क्या बोलते हैं बोलते हैं. मेजोरिटी ऑफ इंक्लूडिंग टू सेट्स ऑफ द टीथ ड्यूरिंग दियर लाइफ दो बार आपको दांत से मुलाकात होगी यानी दो सेट आपको मिलेंगे एक आपको टेम्पररी बोलते हैं या इसी को बोलते हैं और याद रखना दो बार जो आ रहा है ना इसी को कंडीशन बोलते बोलते हैं हैं क्या एन एडल्ट ह्यूमन अगर बात करें ये आपके पास डायग्राम आ गया इसलिए मैंने फोटो हटा दिया कि हम और अच्छे से डायग्राम को एक्सप्लेन कर पाएंगे ओरल कैविटी आपकी है उसके ये माउथ आपका है जो दोनों लिप के बीच का स्पेस होता है देन उसके बाद फेरिंग्स है देन उसके बाद फैगस है ईसो के बाद आपसे जो स्ट्रक्चर मुलाकात होती है दिस इज द स्टमक स्टमक के बाद आप डिओडिनम जेजुनम और इलियम तीन आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं है ना जेजुनम एंड इलियम दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें आपके पास सीकम कोलन एंड रेक्टम कोलन में आपके पास पहले ट्रांसफर असेंडिंग कोलन देन ट्रांसफर्स डिसेंडिंग एंड देन सिग्मॉइड इधर दिया हुआ है एक एक करके हम आगे आपको देखते रहेंगे दिस इज द इलियम लास्ट स्ट्रक्चर है ये और ये आपका वर्मी फॉर अपेंडिक्स है दिस इज एन एस ये पूरा डायग्राम आपको याद करना होता है पीछे हम लोग बात कर रहे थे टीथ की तो कह रहे हैं कि इसमें बत्तीस दांत होते हैं 32 टीथ होते हैं टू वन टू थ्री जोहा आजमी यस yes, बिल्कुल बेटा टू वन टू थ्री जोहा नाजमी जी आई वांट टू वन क्वेश्चन आर यू फ्रॉम क्लास स्टूडेंट और नॉट if no then no issue but i'm just only, only ask theek hai 2123 की अगर हम बात करें तो ic pm m okay तो ये आपको याद करना है हमेशा पूछा जाता है 2123 और इसमें एक चीज का और ख्याल रखना है कि ये चाइल्ड में क्या हो सकता है तो वहां पे भी याद रखिएगा जिससे कि आपको असुविधा ना हो चाइल्ड में के केस में भी ठीक अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट हार्ड सेविंग सरफेस enamel enamel आपको याद करना है enamel Inamel क्या होता है और ये क्या काम करता है तो जो है ये है, ये दांत के के ऊपर ऊपर पाया पाया जाता जाता है और इसका बेसिक कंसर्न क्या होता है कि में करता है. फ्लोर ऑफ दैविटी आपके ओरल कैबिटी में लास्ट में वन सेकेंड बेटा बार बार एक फोन आ रहा है

सॉरी फॉर डिले तो देखते हैं बेटा आइए बिल्कुल तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया दूसरा फ्रीली मोबाइल मस्कुलर टंग इसको मार्क कर लीजिए इसमें आगे बढ़ते हैं जल्दी से अभी आसान टॉपिक है इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं अपर सरफेस जो टंग का होता है ना डॉक्टर साहब अपर सरफेस इसमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हें पैपली बोलते हैं और जिसमें आपको आपको क्या मिलेगा

तीनों रीजन पूरे जब हो जाएंगे तो ऊपर एक पॉइंट छूट गया है हमारा वो हम आपको बता दें कि स्टमक में बेसिकली पहले तीन पार्ट था अब चार हो गया है तो कार्डियॉडी पार्ट एंड पॉलोरिक मेन पार्ट कौन सा है बॉडी पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बाद आपको मिलेगा और मेन पार्ट आपका सेटल्ड मिडिल पोर्सन जजुनम एंड हाईली क्वाइल्ड इलियम, ये भी, इलियम. तो ये भी याद रखिएगा हाईली क्वाइल्ड कौन सा है और लॉन्ग क्वाइल्ड कौन सा है ये दोनों बातें आपको एक एक करके याद होनी चाहिए डॉक्टर साहब ठीक है आइए

अभी पीछे मैंने बताया था एसेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग सिग्मेट तो सबसे पहले आपको क्या मिला माउथ देन उसके बाद फेरिंग्स देन उसके बाद एसोफेगस देन उसके बाद स्टमक देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी तीन पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन में भी तीन पार्ट डियोडेनम जेजुनम इलियम और सीकम कोलन एंड रेक्टम

वो सर्कुलर है ICM और जो आउटर है वो लोंगिट्यूडनल है OLM या ऐसे कह सकते हैं आउटर लोंगिट्यूडनल लेयर और एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन वो सम रीजन कौन सा है इस्टमक में ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है मैंने इसीलिए इस आराम से पढ़ाने के लिए ही आपसे कहा है मैक्सिमम जितना हो सकेगा हम इस टाइमिंग में ही पूरा करेंगे 11 एएम पे ही जितना बताएंगे कम से कम आपको हर लाइन पढ़ने को मिलेगी छोड़ छोड़ के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जितना पढ़े कम से कम आपको फायदा हो और आपको सुकून मिलेगा चलो हमने अच्छे से यह चैप्टर पढ़ लिया बस यही हमारा उद्देश्य है ठीक है सम कम लोग देखते हैं नो इशू जितने देखते हैं उन्हें फायदा मिलना चाहिए तो तब सब में क्वेश्चन लेयर इज लूज कनेक्टिव टूश और अगर हम पूरे दिन करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम यूटिलाइज होगा और ऐसे समय में आपका टाइम बहुत है ओनली टू आवर मुझे चाहिए बस

बाबू साहब ये डायग्राम आपसे बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं सिरोसा सबसे बाहर क्लियर है म्यूकोसा सबसे अंदर क्लियर है डिटेल में अगर आप पढ़ते तो आपके पास म्यूकोसा में यहाँ आप पे लेमाइना प्रोप्रिया नेपिथिलियम भी मिलता है वो आपके लेवल पे सवाल पूछा नहीं जाता बस ये इतना याद रखना सब म्यूकोसा में आपके पास डिओडिनम में सब म्यूकोसल ग्लैंड में मिलता इसका नाम ब्रुनर्स ग्लैंड है और ये भी याद रखना है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडल मस्कुलरस हो गया ये आपका ल्यूमेन है जहाँ पे क्रमक मतलब जहां पे पूरा डाइजेशन का प्रोग्राम चलेगा यही वो स्ट्रक्चर है यही वो जगह है जहां पे आपको रोगी देखने को मिलेगा जहां पे आपको विलाई देखने को मिलेगा क्योंकि इसी में फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शंस बनेंगे ऊपर नीचे उभार बनेगा तो जरूरी है कि आप कुछ अच्छे से याद रखें ठीक है प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोवेलाई एंड इट इज अ ब्रश बॉर्डर अपेयरेंस और ब्रश बॉर्डर अपेयरेंस पीसी को भी आप नजरअंदाज नहीं करेंगे कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं दीज मॉडिफिकेशन इनॉर्मसली और याद रखना डॉक्टर साहब चाहे आपका हो, चाहे आपका माइक्रो विलाई हो चाहे आपका रोगी हो ये सब के सब एरिया को बढ़ाता है विलाई दो पार्ट है और एक ऊपर वाला पार्ट है, है ना? एक नीचे वाला, एक वाला. इतना वाला पार्ट एब्जॉर्शन में हेल्प करता है और ये वाला पार्ट नीचे वाला ये सिक्रीशन में हेल्प करता है ये दोनों बातें आपको समझनी होंगी ठीक है चलिए तो विलाई आर सप्लाई नेटवर्क ऑफ ब्लड कैप्लरीज देखिएगा स्टमक जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं क्रिप्ट इन बिटवीन देश द बिलाई इन द इंटेस्टाइन क्रिप्ट ऑफ लिवरक्विन ऑल द फोर लेयर सो द मॉडिफिकेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल ये चारों लेयर अलग अलग पार्ट में अलग अलग मॉडिफिकेशन करती हैं अब आइए डॉक्टर साहब डाइजेस्टिव ग्लैंड अच्छा हाँ एक बात और यहाँ पे लेमिंग पे बहुत विशेष ध्यान रखना है ये हमारा विलाई है ये हमारा लैक्टियल है इधर वाला कैपिलरी कैपिलरीज में देखिएगा कैपिलरीज की शुरुआत हमेशा ये ये देखिएगा एंड एंड टू कनेक्शन होता है ना कैपिलरीज आपकी आर्टरीज हैं ऊपर वाली और जो वेन है वो नीचे है और ये आपका क्रिप्ट है गड्ढा जहाँ पे हम सिक्रिशन की बात करते हैं अब आइएगा डायस्टिव ग्लैंड तो डायस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब डायस्टिव ग्लैंड एसोसिएट विद एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड सिलावरी ग्लैंड लीवर एंड पैंक्रियास ग्लैंड में आपको इतना कुछ मिलने वाला है ठीक सर आगे बढ़िए सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द थ्री पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड कितनी पेयर सलाइवरी ग्लैंड है थ्री पेयर सलाइवरी ग्लैंड आपके पास है यह बात याद रखिएगा डॉक्टर साहब ठीक है फेयर ग्रैंड आगे पढ़िए जल्दी से चलो आगे बढ़ो एक आपके पास से पैरोटिड जिसे सिक्लैंड कहते हैं एक सब मैग्र सब एंग्लोबल जिसे लोअर जा कहते हैं तीसरा आपके पास सब लिंगल जो टंग के नीचे पाई जाती है दीज ग्रैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सीक्रेट सिला जूस

These, ये देखिएगा आपके पास क्या है लोब्यूल की हम बात कर रहे हैं लोब्यूल है है जो आपको याद रखनी है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स अरेंज इन कार्ड किस रूप में अरेंज होती है कार्ड के रूप में अरेंज होती है ईच लोब्यूल इज अ थिन कनेक्टिव टिश्यू सी कैप्सूल ये वर्ड आपको याद होना चाहिए

कोई फायदा नहीं है आप अच्छे से पढ़ो बस हिपैटिक डक्ट ठीक कॉमन बाइल डक्ट बनाएगा दोनों अब ये दोनों मिला के क्या बनाएंगी ये आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट हुई अब ये हिपैटिक डक्ट हो ये कॉमन है क्योंकि ढेर सारी जगह से आएगा ना हिपैटिक डक्ट ये आपका कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगा इधर से मतलब ये सिस्टिक वाला और ये हिपैटिक वाला दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट ओके बच्चों चलो आगे बढ़ो अब आगे देखिए इधर से पेंक्रियाज आ रहा है

30 परसेंट डायजेशन यहाँ पे हो जाएगा पहली बात दूसरी अगर हम करें तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो रहा है स्टार्च टूट रहा है माल्टोज में सलावरी अमाइलेज एंजाइम और माल्टोज में इसने तोड़ दिया अब आगे आइए म्यूकोशा द म्यूकोशा द स्टमक हैज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकोशा के पास मैंने आपसे पहले ही कहा सबसे बाहर वाली सिरोसा और सबसे अंदर वाली म्यूकोसा हमें उसी से मतलब है म्यूकोसा से म्यूकोसा क्या करेगी इसी में गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगी तीन प्रकार के गैस्ट्रिक ग्लैंड है पहला म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहां पे सवाल बनता ही बनता है ये क्या सिक्रिट करेगी म्यूकस अगला है पेप्टिक के अच्छी सेल कोई ऐसा मेडिकल एग्जाम नहीं जहां सवाल ना पूछा गया हो सिक्रिट प्रो एनजाइम पैप्सिनोजन और इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एच आगे पढ़ने की जरूरत नहीं यही याद कर लो पेराइटल ऑक्सेंटिक सेल ये HCL सेक्रेट करेगा और कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेट करेगा जो कि विटामिन बी12 के अब्जॉर्प्शन में मदद करेगा अगर इस सेल की कमी हो जाएगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी कहें या आरबीसी की कमी हो जाएगी या एनीमिया हो जाएगा इस पे रिलेट करके सवाल एक बार पूछा गया है स्टमक इट्स स्टोर फूड भोजन 4 से 5 घंटे स्टोर होता है द फूड मिक्स थ्रूली भोजन से मिक्स हो जाता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस में और जब एस, एसिड के साथ भोजन मिक्स हो जाता है तो हम उसे काइम कहते हैं, हैं? है, तो हैं। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन एक्सपोजर टू तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेंट कन्वर्टेड इंटू एक्टिव एंजाइम हमने आपको पीछे ही कह दिया कि आपका जो पैप्सिनोजेन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा अगली लाइन

और अगर आपको यहां पे एच है और इस HCL से इसको बचाना है तो यहां पे कौन बचाएगा जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो बचाएंगे इस वॉल को डैमेज होने से तो ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है HCL प्रोवाइड एसिडिक पीएच कितना 1.8 और इसी 1.8 पे कौन काम करता है पैप्सन आगे लिखा है कि ऑप्टिमल फॉर द पेप्सिन तो पेप्सिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये रैनिन इज द प्रोटियोटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट इन्फेंट में पाया जाता है और जो कि डाइजेशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेस आल्सो सीक्रेट फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे हम कंसीडर नहीं करते अब आइए अगला क्या सेcretion है ये स्टमक की बात हो गई आगे बढ़िए वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दिस मूवमेंट हेल्प इन द

जूस की अगर आप बात करें तो इसमें इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है इज एन एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम बहुत बार पूछा गया है एंट्रोकाइनस ट्रिप्सनोजन कैसे एक्टिवेट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा तो एंट्रोकाइनज कहां से निकलता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से और जाके फिर उसको एक्टिवेट करता है और ट्रिप्सनोजेन को किसमें कन्वर्ट करता है

आगे आपके पास है इसका जो डाइजेशन है तो हमने तीन प्रकार के जूस पीछे पढ़े जो हमें मिल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला पैंक्रियाटिक बाइल पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस इस ये परफेक्ट है काम करने के लिए तो प्रोटीन प्रोटियोज एंड पेप्टोन हाइड्रोलाइज इन द काइम रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन द प्रोटोटिक एंजाइम प्रियंट पैंक्रियाटिक जूस अब इस पर

तो ये आपका प्रोटीन वाला हो गया ये आपका सॉरी स्टार्च वाला हो गया और ये आपका तीसरा फैट वाला हो गया. तीन ही आपको करना है चौथाइटिक नुक, जूस न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लोटाइड एंड न्यूक्लोसाइड ये आपको मिला अब हमें एक चाहिए क्या हमें कुछ प्रोटीन के टुकड़े वगैरह मिले हैं थोड़ा बहुत कुछ पेप्टोन्स वगैरह मिले हैं प्रोटीन मिले हैं डायसेक्राइड मिले हैं अब इसको देखिए

जो स्टार्च से, से मिला था इसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ेगा लैक्टोज जो स्टार्च से मिला था ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ेगा वही मिल्क वाला सुक्रोज इसको ग्लूकोज प्लस यानी सुक्रेज लैक्टेज सारे के सारे एज वाले यानी सारे के सारे डाइसेक्राइड डाई एंजाइम जो टुकड़ों में तोड़ते हैं न्यूक्लोटाइड्स हैं

For the coordination of the different parts, sight, smell, and the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. Tabi secretion hoga saliva ka.

आइए देखते हैं कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड जरा देखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कंबन ऑफ वन ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ अलोज मेटल चैम्बर होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है इट्स ग्रॉस कैलोफिक वैल्यू अगर एक ग्राम फूड को बॉम्ब कैलोरीमीटर में बॉम्ब कैलोरी मीटर में बर्न करें तो जितनी हीट मिलती है उसकी कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं दूसरा एक्चुअल अमाउंट ऑफ ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राम जो जेके ये तो बॉम्ब आइडियल कंडीशन हो गई और शरीर के अंदर अगर देखें वन ग्राम फूड से कितना मिलेगा एक्चुअली कितनी एनर्जी मिलेगी उसे क्या बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू तो अब जरा देखते हैं एक्चुअल में दोनों की वैल्यू कितनी है

आपको मिला है अमाइनो एसिड्स आपको मिला है फैक्टोज ओके okay. आपको मिला है फैटी एसिड एंड ग्लेस्ट्रोल ठीक है आइए द एब्जॉर्सन इज द प्रोसेस विज एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टनल म्यूकोशा इन टू द ब्लड और लिम्फ लिम्फ से फैट जाता है इट इज कैरिड आउट बाई द पैसिव और एक्टिव और फैसिलिटेटेड

they are first incorporated in a paragraph important they are first incorporated into small droplets called missiles, which move into the intestinal mucosa. they are reformed into the very small protein called chylomacron. small protein coated fat globules which are transported into the lymph vessel, lymph vessel into the lacteals, the lymph vessel ultimately releases the absorbed substance into the bloodstream. एब्जॉर्शन ऑफ सबस्टेंस टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल में भी स्टमक में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और बहुत थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या वो देखते हैं अभी आगे देखेंगे कैसे लेकिन मैक्सिमम अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये लाइन आप मार्क कर लो मैक्सिमम मैक्सिम अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी लार्ज बोल गलती से यहां पे मैक्सिमम होता है ठीक है सर माउथ में सर्टेन ड्रग्स

कि द एब्जॉर्ब सबस्टेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच अल्टीमेटली यूटिलाइज देर एक्टिविटी दिस इज प्रोसेस कॉल्ड एसिमुलेशन तो क्या क्या हुआ डाइजेशन हुआ उसके पहले क्या हुआ इंजेशन हुआ क्या हुआ इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्ब हुआ अब क्या हो रहा है एसिम्युलेशन हो रहा है क्या हो रहा है एसिम्युलेशन तो इंजेशन डाइजेशन

Jaundice kya hota hai? The liver is affected with skin and turns yellow due to the deposit of bile pigment. The liver is affected. Skin and eyes turn yellow due to the deposit of bile pigment. Omitting. It is ejection of stomach content through the mouth. This reflex action is controlled by. This reflex action is controlled by. Omit center in the, in the medulla.

अब आपसे एक क्वेश्चन मुझे पूछना है फिर आगे बढ़ूंगा क्या आप लोग इसको आज कंटिन्यूएशन में चाहते हैं एनिमल किंगडम में पढ़ा दूं, जो छूटा हुआ है जल्दी कमेंट बताइए इसको आगे बढ़ा दिया जाए या एनिमल किंगडम जो छूटा हुआ है वो पढ़ेंगे कमेंट में जल्दी बताइए जितने लोग देख रहे हैं जो देख रहे हैं उन्हीं से मतलब है एनिमल किंगडम आपका छूटा हुआ है उसको पूरा कर दूं या आगे बढ़ूं आप लोग तो बोल ही नहीं रहे भाई जो मर्जी करो है मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक धीरेन्द्र अनुभव जोहा नाजमी कोई रिस्पॉन्स करिए जल्दी कंटिन्यू सर ओके चलिए ठीक है कंटिन्यू ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस यू हैव रीड अर्लियर ऑक्सीजन इसमें कुछ uh, जो चीजें हमें पढ़नी है एक आंसर आया है सिर्फ कि कंटिन्यू करिए ठीक है कंटिन्यू है, करते हैं आ रही है ठीक 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 ओके चलिए तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ने हैं मैकेनिज्म पढ़नी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस रेगुलेशन पढ़ने हैं है। सारी चीजें एक एक करके आइए देखते हैं सबसे पहला जो आपके पास है रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो रेस्पिरेशन के डेफिनेशन या ब्रीदिंग के डेफिनेशन तो आप लोगों को आई होप आती ही है फिर भी जल्दी से एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं

अगर बात करें लोअर इनवर्टिव की तो लोअर इनवर्टिव जैसे कि पूरी बॉडी सर्फेस से ऐसा होता है ठीक? अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की तो यूज द मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट है एक तरीका तो ये हो गया तीसरा अगर आप बात करें गिल्स की तो गिल्स के ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं गिल्स को याद रखना

कह सकते हैं आपकी गिल्स से रेस्पिरेशन कर रहा है तो एक सवाल आपसे पूछ सकते हैं एक्वाटिक आर्थोपोडा ये और कौन सा वर्टिब्रेट्स है जो गिल्स से रेस्पिरेशन कर रहा है

से मुलाकात लैरिंग्स होते हुए ट्रैकिया से होती है लैरिंग्स इज द कार्टिलेजियस बॉक्स जिसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं और जिससे आवाज आती है ठीक है इसी को इलास्टिक कार्टिलेज कवरिंग मैंने कहा था कि विंड पाइप को कवर करता है और जिसमें से कि भोजन के भोजन की एंट्री यहां संभव नहीं है ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एंड एक्सटेंड टू द मिड थोरसिक कैविटी व्हिच डिवाइड एट द टी5 किस जगह पे टी5 पे बाइफरकेट

लिखा है कि द्रॉक्यूल्स विद्लीट कॉटिल सपोर्ट होता है इनकम्लीटिलइज बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे इनको एलबेलाई द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द्रॉन्काई ब्रांक्यूल्स एंड एलबेलाई कंप्राइज दी हैंग्स एंड कबर विद डबल होता है

कि प्लांट को सॉरी oh, एनिमल्स को असुविधा ना हो ज्यादा टेम्परेचर चला जाएगा तो भी तो समस्या खड़ी हो जाएगी ना इसलिए उससे बचा लेता है इसको, ठीक? एक क्या होता है एयर टाइट चैम्बर है ये थोरेसिक चैम्बर इज फर्स्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म बाई कैसे बनता है डॉर्सली तरफ

ये आपके पास डायग्राम है आप अपनी बुक को देखिएगा थे पढ़ लीजिएगा उसमें देखिए ये आपके ये आपका क्या है दिस इज द पूरा चैम्बर है आपका ये अगर एयर को इंटर करना है अगर एयर को इंटर करना है तो थोरेसिक कैबिटी का थोरेसिक कैबिटी का जो वैल्यूम है वो बढ़ना चाहिए और थोड़ेसिक कैबिटी के वैल्यूम बढ़ने से पाल्मोनरी कैबिटी का भी वैल्यूम बढ़ जाएगा और एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम घटना चाहिए अब ये कैसे क्रिएट होगा भाई ये कैसे क्रिएट होगा जो जो रिप्स है वो सब ऊपर की तरफ खींचेंगी जो रिप्स हैं, वो सब ऊपर की तरफ खिंचेंगी। डायाफ्राम नीचे की तरफ खींचेगा वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज करेगा और एयर अंदर आएगी दिस इज द इंस्पिरेशन

In increase, ये जरूरी है. The and less than अगर हमने इन सारी मसल्स को जिन्हें कॉन्टेक्ट किया था कर दिया, तो रिलैक्सेशन ऑफ जरा रुकना बचो रिलैक्सेशन ऑफ डाया फ्रॉम

उनके लिए रिविजन में काफी मदद मिलेगी टाइडल वैल्यूम क्या होता है टाइडल वैल्यूम होता है भैया ऑफ एयर जो कि नॉर्मल में अंदर और बाहर की जाती है एक बार श्वसन में वैल्यू 500 होती है और अगर 12 इंटू पांच और 16 इंटू पांच यानी कि 6000 से 8000। हजार इंस्पायरेटरी रेट की अगर हम बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम की बात करें तो एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर एडिशनल यानी 500 तो है ही है एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सफुल इंस्पिरेशन इस 500 के अलावा जितना हम अंदर खींच सकते हैं इस 500 के अलावा उसे आई आर बी कहते हैं एडिशनल रिजर्व वैल्यू और याद रखना अगर जितना हम मैक्सिमम निकाल सकें एक्सपायरटी रिजर्व वैल्यूम उसे कहते हैं तो एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुल एक्सप्रेशन दिस एवरेज इज 1000 टू 1100 तो इसे ईआरबी कहते हैं तो 500 प्लस ईआरबी और एक बात मैं आपको और कर आई आरबी प्लस आई आर सी और बराबर तो ये दोनों डेफिनेशन हमारी हो गई पहले ही कि पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन दिस इंक्लूड द टाइटल वैल्यूम प्लस कितना हो जाएगा वही हमने जो पीछे आपसे कहा और एक्सपर्टरी भी हो। अब आइए रेजल वैल्यूम फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद जो कुछ हमारे लंग्स में बचा रह जाता है उसे हम कहते हैं द द ऑफ रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल 1100 से रेजुर वैल्यू होती है और इसे हम कभी भी क्लिनिकली नाप नहीं सकते क्योंकि ये कभी बाहर निकलती नहीं तो कैसे मापेंगे आप फंक्शनल रेजल कैपेसिटी अगर हम नॉर्मल एक्सप्रेशन करें और नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद जो बचा रहा है जैसे हम टोटल काउंट करते हैं आई प्लस ई प्लस टीबी प्लस आरबी इतना हमारे लंग्स में भरा होता है ठीक है अब हम क्या करें ये सब कुछ निकाल दिया या अगर हम बात करें कि नॉर्मल रिस्परेशन की आप बात कर रहे हो तो जब आप नॉर्मल की बात करते हो तो आप इसको छोड़ो ईआरबी निकलेगा बोलो ना ईआरबी निकलेगा क्या आरबी निकलेगा नहीं तो ईआरबी बचा रह जाएगा और रिजर्व और ये भी बचा रह जाएगा तो टीबी सिंपल जाएगा टीबी जाएगा तो ईआरबी

किस किस जगह पे कितना पार्सल प्रेशर होगा ऑक्सीजन और सीओ का वो देखते हैं कितना होगा ब्लड का मतलब ऑक्सीजन का चालीस और सीओ टू का पैतालीस ओ टू का ऑक्सीडेटेड में नाइनटी फाइव ब्लड में और सीओ टू का चालीस टिश्यू में चालीस और पैंतालीस पैतालीस किसका सीओ टू का ये आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए याद रखना चाहिए इंपॉर्टेंट है ये आपके पास स्ट्रक्चर है जिसको अच्छे से आपको समझना होता है क्या है ये? पे पे एयर एयर अंदर आई यहां पे है ठीक है अब ये एयर कहां है हम लोग एलवल में है या यू कह दें हम लंग्स के अंदर है अब ये हमारा ब्लड किसके पास जा रहा है बेसिकली पल्मोनरी वेन अब पल्मोनरी वेन में जो जा रहा है इसमें

डायग्राम याद रखना आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इसकी जरूरत पड़ेगी अब आइए हमें जस्ट तो हमने पल्मोनरी तो वेन. तो वेन और यहाँ पे क्या है सीओ टू क्या लेके आई है टू. और क्या लेके जाएगी ओ टू तो अब ये पल्मनरी आर्ट्री हो जाएगी है ना यहाँ पे सीओ टू इसको देना है और ऑक्सीजन इससे लेना है ठीक है

इंटरनेट कनेक्शन ब्लिंक कर रहा तो है आ जाए तो अच्छा है यस आ गया चलिए बार बार ब्लिंक कर रहा है द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर लेयर कौन कौन सी ए थिन स्क्वामस एपिथेलियम एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस इन इट्स टोटल थिकनेस लेस देन ए मिलीमीटर एक मिलीमीटर से कम होती है देयर फॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ फोटो फ्रॉम एल्वियोलाई टू द टिश्यू ये बात आप बार कर लो भैया अब बेटा ये जो पैराग्राफ है यहां से इतने सवाल बनते हैं इतने सवाल बनते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ लीजिए जो बोल रहा हूं वो एग्जाम की लाइन है ब्लड इज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ओ टू एंड सी टू अगर आप ऑक्सीजन की बात करें और सीवो टू की बात करें कितने पार्ट में डिवाइड होता है ऑक्सीजन 97 परसेंट आरबीसी 97 परसेंट की मदद से प्लस थ्री परसेंट डिजॉल्व थ्रू द प्लाज्मा यानी तीन परसेंट कैसे जा रहा है प्लाज्मा से जा रहा है अगर आप बात करें CO2 टू के तो इसके तीन केसेस हैं पहला सत्तर परसेंट बाई आरबीसी बाई कार्बोनेट के रूप में ठीक है सात परसेंट यानी सेवन परसेंट डिजॉल्व प्लाज्मा डिसॉल्व प्लाज्मा जबकि बीस से पच्चीस परसेंट सॉरी गलत बोल दिया आरबीसी uh, आरबीसी नहीं होगा, से बाई कार्बोनेट ये पैराग्राफ घोल के पी जाइएगा इतना इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखिए डॉक्टर साहब एक बात आपको यहां, यहां से मैं आपको बता दू कि ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा और कब एसोसिएशन होगा और कब डिसोसिएशन होगा यही इस चैप्टर का पार्ट है मेन आपको याद रखना है तो दोनों पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे हम उसी फोकस करेंगे हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी कहां प्रेजेंट होता है आरबीसी में ओटू कैन बाइंड हीमोग्लोबिन इन द रिवर्सिबल मैनर ये हम पीछे भी आपसे डिसीजन

when the percentage saturation of hemoglobin bind with the O2 and plotted against the partial pressure of O2. This curve is called oxygen dissociation curve. समझते हैं इसको कि यहाँ पे हो क्या रहा है ये यह हमारा यहाँ पे पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं कि कितना हीमोग्लोबिन जुड़ गया है परसेंटेज सेचुरेशन मतलब मान लीजिए हीमोग्लोबिन में चार कॉर्नर हैं एक इधर दो इधर तीन इधर और चार इधर अब मान लीजिए दोनों कार्नर फिल हो गया तो पचास परसेंट हो गया

और कहां पे डिसोसिएशन होगा जहां पे कम है टिश्यू तो टिश्यू में जहां पे बोहर से लगता है, जिन्होंने पढ़ा हो जहां कम है इन दिस फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन और याद रखना जब सीओ टू ज्यादा होता है तो यह कंडीशन राइट सेफ्ट की तरफ जाती है राइट कर्व राइट जाता है और जब सीओ टू कम होता है तो कर्व लेफ्ट जाता है

तो ब्लड को पहुंचता हुआ टिश्यू को जाएगा कैसे एवरी हंड्रेड एमएलटेड ब्लड कैन डिलीवर्ड ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन यानी कि अगर स्टेनस एक्सरसाइज करना हो तो पंद्रह पचहत्तर परसेंट तक ठीक है नॉर्मल इसीलिए लिखा हुआ याद रखिएगा और सौ एमएलटेड ब्लड पांच एमएल डिलीवर करता है लेकिन बीस एम एल ले जाता है देता नहीं है पूरा ले जाता है लेकिन देता नहीं है ठीक है चलिए आगे आइए ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सीवो टू इज कैरियड बाई द हिमोग्लोबिन कार्ब अमीनो हिमोग्लोबिन पच्चीस परसेंट आरबीसी के थ्रू दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्सल प्रेशर ऑफ सीओ टू पार्सल प्रेशर ऑफ ओ टू इज मेजर फैक्टर विच कुफेक्ट दिन सीवो टू इज हाई एंड पार्सल प्रेशर ऑफ ओ टू इज लो As in the tissue, just like tissue may have more binding of carbon dioxide occurs where when the partial pressure of CO2 is low. Partial pressure of O2 is high in the alveoli. Dissociation for CO2 from carb amino hemoglobin takes place. This CO2 which is bound to the hemoglobin from the tissue is delivered as the alveoli. RBC contain very high concentration of enzyme num carbonic anhydrase and minute quantity of the same. इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू थोड़ा सा प्लाज्मा में भी होता है याद रखना दिस एंजाइम फैसिलेट द फॉलोइंग रिएक्शन द बोथ रिएक्शन ये आपके पास हो गया सीओ टू प्लस एस टू एस टू सीओ थ्री जोड़ रहा है पता नहीं कितनी बार हम लोग इस रिएक्शन पे काम कर चुके हैं एट द टिश्यू साइट फॉर द पार्सल प्रेशर ऑफ सीओ टू इज हाई टिश्यू पे जहां ज्यादा होता है सीओ टू डिफ्यूजेस इन ब्लड आर बी सी प्लाज्मा में एंड फॉर्म्स एस

ठीक है सेम कहानी पीछे वाली आगे देखते हैं दस 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 दस। 100 ml 4 ml CO2 और ऑफ ऑक्सीजन वहां पे था तब बढ़िया चल रहा है अगर इतना ही बढ़िया पहली फाइल चल रही होती तब तो तक हम लोगों ने बहुत पहले पूरा कर दिया होता उस दिन जब हम लोग शुरू कर रहे थे बट देखिए हर चीज का एक संयोग होता है और सब कुछ अपने जब टेक्निकल जो चीजें हैं वो अपने हाथ में नहीं होती उस समय नहीं कर पाए लेकिन हाँ एक है कि जितना हो सकेगा इस टाइमिंग में उतना पूरा किया जाएगा ये आपसे जरूर है हम 11 पी एम पे आपके साथ रहेंगे एग्जाम तक ये आपसे वादा रहा आइए अगला टॉपिक

तो मेडला रीजन में जो पाया जाएगा स्पेशल स्ट्रक्चर है ये रिदम सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अदर सेंटर पॉन्स रीजन एक आपके पास है पॉन्स रीजन में पॉन्स रीजन में ऑफ़ द ब्रेन इसे बोलते हैं निमोटैक्सिक सेंटर और ऊपर रिस्पार्टी रिदम सेंटर का

रेगुलेशन है रेस्पिरेटरी रिदम uh, का इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है क्योंकि जो आर्टरी होती है वो CO2 और H के प्रति संवेदनशील होती है इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ जिन्हें आपको याद करना है एस्थमा डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग कॉजिंग द दिजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रांकाई एंड ब्रांक्योज एम्फाइसिमा क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एलबिल

नॉट फुल्ली कोप विदुएशन लॉन्ग एक्सपोजर अगर होगा तो इन्फ्लॉमेशन हो जाएगा फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी और धीरे धीरे लंग डैमेज हो जाएगा और वर्कर्स इंडस्ट्री शुडक्टिव प्रोडक्टिव आजकल तो मास्क हर कोई पहन रहा है फिलहाल उन लोगों को पहननी ही चाहिए जिससे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बच पाए और अपने लंग्स को बचा पाए तो ये तो बात होगी आपके रेस्पायरेशन की ब्रीदिंग एंड गैसिस एक्सचेंज की बस एक मिनट स्टार्ट कर रहे